उत्तर प्रदेश के संभल में आपसी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग दिखाई दिए। एक जगह कुछ लोगों की भीड़ जमा थी, जबकि कुछ अन्य लोग एक आदमी से मारपीट करते दिखे। मारपीट के दौरान महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस घटना की तस्वीरें सड़क से कुछ दूर खड़े एक आदमी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। दोनों पक्षों के बीच खेत में मेड़ को लेकर विवाद हुआ था, जिस वजह से दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक गुट को भारी पड़ता देख दूसरे गुट के अधिकतर लोगों ने किसी तरह भाग कर जान बचाई, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी भाग नहीं पाया और उसे बदमाशों ने जमकर पीटा। इस घटना में बुजुर्ग को काफी चोट आई। मारपीट की इस घटना के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण माहौल है। इधर बिहार के दरभंगा में एक बस्ती में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि बस्ती के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर क्षति हुई है, कई मशीनें जल करके राख हो गई हैं। बताया गया कि घर पर बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से आग लगी। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से मिलने एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची। एसआईटी ने उनसे जान से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की और बताया कि सिद्धू मूसेवाला केस में तीन आरोपियों को छोड़कर सभी गिरफ्त में आ चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर 25 नवंबर तक इंसाफ नहीं मिला तो एफआईआर वापस लेकर देश छोड़ देंगे।